व्हाट इज ईटीएफ? ईटीएफ क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी ये ऐसे फंड्स हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। तो ईटीएफ बेसिकली म्यूचुअल फंड्स ही हैं, लेकिन इनको आप स्टॉक्स की तरह बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप दिन में चाहे जितनी बार इसे बाय करें, जितनी बार उसे सेल करें, यानी ETFs को बाय एंड सेल करना बहुत इजी होता है। ETF को बाय करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप इसको शेयर्स की तरह ही अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, यानी ये भी आपको शेयर्स की फॉर्म में मिलते हैं। तीसरा, जो ETF होते हैं ये बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे इंडेक्स ETF हो गया। अगर आप किसी इंडेक्स ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप एक इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो इंडेक्स ग्रो करेगा तो आपका जो ETF है उसकी प्राइस भी बढ़ेगी और ऐसे आपको प्रॉफिट होगा। बट इंडेक्स और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जगह आप किसी ऐसे ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब अगर मान लीजिए उन पर्टिकुलर स्टॉक्स की प्राइस बढ़ेगी तो यहां पर आपका जो ETF है उसकी प्राइस भी बढ़ेगी और ऐसे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ ETF दिखाता हूं। क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसे एग्जाम्पल की तरह ही लीजिएगा। तो एक ETF है मफैंग, जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट एप्पल फेसबुक एमेजॉन नेटफ्लिक्स एंड गूगल। यानी ये जो ETF है ये अपने पैसे को इन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और इसकी जो अंडरलाइंग एसेट है वो आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की फैंग प्लस कंपनीज हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप इन बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस ETF को बाय कर सकते हैं और वो भी आप अपने ही डीमैट अकाउंट से बाय कर सकते हैं। और अगर आपने इस ETF को बाय कर लिया तो ये जो ETF है यानी ये जो फंड है उसने अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है? वो इन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया है। तो अगर इन स्टॉक्स की प्राइस बढ़ेगी तो आपके ETF की प्राइस भी बढ़ेगी और इससे आपको भी प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 97 रुपीज। यानी अगर आप इसकी एक यूनिट बाय करना चाहते हैं या एक शेयर बाय करना चाहते हैं तो वो आपको 97 रुपीस का मिलेगा, जबकि अगर आप इन स्टॉक्स में एक एक करके इन्वेस्ट करते और सिर्फ एक एक शेयर भी उनका बाय करते तो वहां पर आपको कई हजार या शायद लाख रुपए भी इन्वेस्ट करने पड़ जाते। लेकिन यहां पर सिर्फ 97 रुपीस देकर ही आप इसका एक स्टॉक बाय कर सकते हैं। वैसे बता दूं कि जो भी US स्टॉक्स होते हैं उनमें आप फ्रैक्शन में भी बाय कर सकते हैं, तो आप चाहते तो इस अमाउंट से भी बाय कर लेते। लेकिन बाकी सारे एग्जांपल्स को अगर हम देखें, जैसे यहां पर बैंक ETF है तो इसमें बैंक से रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं और अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स है टॉप, उन सब में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। अब अगर एक एक करके आप सारे बैंक स्टॉक की एक एक यूनिट बाय करते तो उसमें आपको कई हजार रुपए देने पड़ जाते, लेकिन यहां पर इसको आप सिर्फ 534 रुपीज से बाय कर सकते हैं। तो ETF को बाय करने का एक फायदा ये तो है ही कि आप अपने डीमैट अकाउंट से उसको खरीद सकते हैं, डीमैट अकाउंट में ही उसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह भी है कि जहां उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय करने के लिए आपको हजारों रुपए देने पड़ते, उसकी जगह पर आप कुछ 100 रुपए देकर उसकी एक यूनिट बाय कर सकते हैं और इस तरीके से भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और ETFs की कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हैं कि इतने सारे ETF स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ETF क्या होता है। तो अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट। तो अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बेस्ट एंड फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं खुद भी उस डीमैट अकाउंट का ही यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।